अगर आपको वॉफल्स पसंद हैं तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम आज वॉफल्स को बहुत ही आसान तरीके से गैस पर बनाने वाले हैं और ब्रेड से बनाएंगे, तो इन वॉफल्स को बनाना बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही इकोनॉमिक, किफ़ायती, सस्ते में बनने वाले हैं ये वॉफल्स, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। इन वॉफल्स को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हमें यहाँ पर ले लेनी है 2 ब्रेड स्लाइसेस, और साथ ही में मैंने यहाँ पर छोटे वाला ओरियो बिस्किट का पैकेट ले लिया है। और यहाँ पर आप कोई भी बिस्किट चूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट होगा तो अच्छा रहेगा, अगर ओरियो नहीं है तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप ले लीजिएगा। और अब अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर का जार, छोटे वाला जार लिया है मैंने, और इसमें हम ये छोटे वाले पैकेट में 5 बिस्किट्स हैं, तो ये 5 बिस्किट्स लगभग हमने ले लेने हैं। और इनका हमें पाउडर फॉर्म में इनको लेकर आना है, तो थोड़ा सा हाथ से तोड़ देते हैं और उसके बाद इनका हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये बिस्किट्स को हमने बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आए हैं, तो आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। और इसको अभी हम रख देते हैं साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्लेम को हमने यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम पर हम जो हमारा ये वॉफल मेकर हमने लिया है इसको हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अच्छा, इन वॉफल्स को बनाने का बेस्ट पार्ट यही है कि हम इनको गैस पर बना रहे हैं, जैसे सैंडविच मेकर आता है इस तरह से गैस पे यूज़ करने वाला, बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है इसको। बहुत अच्छी नॉनस्टिक कोटिंग है इसमें अंदर की तरफ। आपको अमेज़ॉन पे ये बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, मतलब मैंने इसको 500 रुपीज़ में लिया है, और ट्रस्ट मी बिल्कुल वर्थ है ये 500 रुपीज़ में, क्योंकि इतना आसान हो गया है मेरे लिए वॉफल्स बनाना, मतलब मिनटों का खेल हो गया कि जब मर्जी चाहे तब बना लो। तो आप इसको अमेज़ॉन पे फाइंड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी हमें इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, बटर ले लीजिए आप, बटर नहीं है तो घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए दोनों तरफ से। और अब हमें यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसेस रखनी है, ब्रेड स्लाइसेस के बीच में भी अच्छे से बटर लगा देना या घी लगा देना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद ऊपर से भी ग्रीस कर देंगे। वैसे तो जो ये हमारा पैन है, वॉफल मेकर है, ये इस पर अच्छी खासी नॉनस्टिक कोटिंग है, तो ये स्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बटर इसीलिए लगा रहे हैं जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं अच्छे से होना स्टार्ट भी हो गया है, पर अभी थोड़ा सा कम हुआ है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। जो वॉफल बनेंगे ना हमारे, बीच में से बहुत ही मतलब क्रीमी क्रीमी से लगेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड स्लाइसेस के दोनों के बीच में भी बटर लगाया है, और जो इनकी ऊपर वाली लेयर होगी ये क्रिस्पी होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी मिनटों में, मतलब 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और ये हमारा वॉफल का बेस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इस वॉफल को बनाना इजी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी है कि इस टेस्ट के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनता है ये ऊपर से, और अंदर से क्योंकि हमने बटर लगाया हुआ है दोनों ब्रेड्स के बीच में, तो अंदर से थोड़ा सा क्रीमी सा, मतलब खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये। तो शॉर्टकट वॉफल है ये हमारा। और आप टॉपिंग भी इसकी बहुत ही ईजी तरीके से, या तो चॉकलेट सॉस से या हनी से कर सकते हैं, पर आज हम इसके को आइसक्रीम के साथ खाने वाले हैं, और जो हमने बिस्किट्स का पाउडर बना कर रखा है वो भी यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्कूप रख दिए हैं वनीला आइसक्रीम के, और उसके बाद हम खूब सारा ये अपना बिस्किट का पाउडर रख देंगे, ऐसे स्प्रेड कर देंगे, और बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट बन गया है हमारा सिर्फ 2 मिनट में। तो अगली बार कोई गेस्ट आएंगे तो उनको इम्प्रेस करने के लिए इससे अच्छी ट्रिक तो हो ही नहीं सकती। तो इस रेसिपी को जल्दी से अपने घर में ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये शॉर्टकट कैसा लगा,
और ऐसी इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी मैं एंजॉय करती हूँ ये वॉफल, और हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।